स्वीकार कर चुकी है। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। बाकी और क्या वजह है इसको क्रैक करने की बात वो कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जांच अब तेज हो गई है और इस जांच का जो सबूत आया है वो ये है कि दोनों कार्य फिलहाल बराबर डीजीपी पंजाब से इमीडिएटली एफआईआर 302 दे करके जिसू मूसेवाल का ये भी काट लिया जो पंजाब पुलिस के ऑफिसर है। दूसरी चीज एक और ट्वीट की है जी इन्होंने नरेंद्र ब्राड के जोड़ा ब्राड लॉरेंस बिश्नोई जाके नरेंद्र ब्राड सिक्योरिटी ब्राड एक ओवरी सिक्योरिटी ब्राड आ जिन्हें फरीदकोट के कांग्रेस के कांग्रेस सीनेटर गुरलाल गुरलाल ब्राड का किन्ने ही मर्डर किया। इसका मतलब कि जोड़ा गोल्डी ब्राड आ सिर्फ 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 कांग्रेसियों को मार नहीं दसिया सब तो लाल ट्वीट है। बाकी जो बीजेक कह रहा है दोनों थोड़े जो ने गल की है बाकी जो बीजेक कह रहा AK-47 चली वो बिल्कुल गलत है। इवें बिल्कुल ना चलाओ अभी सब से वैक कट सकते हैं उन्हें तो अभी इसके पार्टी का मतलब शुरू कर पा रहा तो डीजीपी जवाब देवे फिर तो ये जो उन्हें जी गल कही है कि वो जोड़ा वैपन है 247 वो पुलिस का जहाँ जांच करा जीडिया बुलट प्रूफ दल बिल्कुल डीजीपी झूठ बोल रहा। मेरा ख्याल है कि भगवंत मान जिदा तभी प्रधानी नागर खड़ा ने गल की है मैं होम मिनिस्टर हूँ और उसे कोठी के मेरे पुलिस वाले मैंने ट्रेन जरूर करना दे रहे उन्हें सिक्योरिटी अज जरा बिना सिरा सिर पैर जो पहले दिन के टाइम से जो चलिया भी नहीं अगर कोठी के दस पांच सिक्योरिटी गार्ड पांच टावर ला के दिखी सिक्योरिटी वो कर रहे माहौल खराब कर रही और तुम याद होना जो मेरे 2017 की इलेक्शन हुई आई दिन के बाद फिर सब तो अगर घर उठी जाके मौके से मिलिया तो जोड़ा कारण साथ फिर पुराने कनैक्शन जोड़ के पंजाब का नुकसान करना चाहते हैं और पंजाब बर्बाद करना चाहते हैं। अभी सारे ये चीज से हो गए कि जमीन चढ़ेंगे CBI और NIM पंजाब एंटर करना चाहिए और इन्होंने जेडे भगवंत मान के ट्वीट ने जोड़ा मैं बड़ा भावुक है यकीन सामने आना चाहिए कि प्रेस को अब DGP नहीं होना चाहिए एडिया वाला बार्डर पंजाब का है ये उसके मुख्यमंत्री के सामने होना चाहिए। तीसरी गल मैं कहना चाहूँ कि अभी बाकी पार्टियों को अपील करते हैं कि जिमें पहले दिन के सारे पार्टियां इकट्ठी होकर इतने बैठ के पंजाब ने जिन्हें बचाया इन्हें हम पार्टी पार्टी तो प्रधान जी उठ के उन्होंने अपील करो सारे इकट्ठे होकर इस चीज का करके मुकाबला करिए और इस गुंडा गुंडा कर्म करे जी सिक्योरिटी वापस ली है जेडे जोड़े डेरा प्या थोड़े दूर मिल गए जूर अपने सिंह साहबान इन्होंने जोड़ी सिक्योरिटी लै गए सिक्योरिटी इन्होंने है कि इन्होंने जान को खतरा नहीं इन्होंने पावर से इन्हों की रिस्पैक्ट उन्होंने दिखाई जाती है कि जो लिया बहुत अच्छी बहुत खर्च होते हैं। कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुरेंद्र सिंह रंधावा सीधे तौर पर प्रदेश सरकार का आरोप लगा रहे लेकिन पीछे बहुत ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हरियाणा से राजा माकन को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया है जबकि छत्तीसगढ़